नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम मिशन 2022 के बिसात लगातार तैयार की जा रही है और इसको लेकर लगातार तैयारियां देखी जा रही हैं। 2022 के बिसात लगातार जारी है। कल हमने अपने इस खास कार्यक्रम में प्रयागराज की 6 विधानसभा सीटों की चर्चा की थी। आज हम प्रयागराज जिले में बची हुई 6 विधानसभा सीटों की चर्चा करेंगे। आज 2022 की बिसात में बात करेंगे प्रयागराज जिले के सियासी समीकरण, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। पूरे देश में संगम नगरी के नाम से विख्यात प्रयागराज का जितना धार्मिक महत्व है, उतनी ही उसकी राजनीतिक पहचान भी है। लोग इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू स्थली और लाल बहादुर शास्त्री की कर्म स्थली को लोग संगम नगरी भी कहकर पुकारते हैं। प्रयागराज का संसदीय क्षेत्र 1952 के चुनावों से पहले बने उत्तर प्रदेश राज्य के 80 लोकसभा क्षेत्रों में है। प्रयागराज जिले में 12 विधानसभा क्षेत्र है। 3 नदियों के संगम पर स्थित है प्रयागराज। प्रयागराज जिले का प्रशासनिक मुख्यालय प्रयागराज शहर में स्थित है। ये गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है, जो इसे हिंदुओं के लिए एक पवित्र शहर बनाती है। ये शहर 98 मीटर की औसत ऊंचाई पर स्थित है और 5,424 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। हिंदी प्रयागराज की आधिकारिक भाषा है, जिसमें अवधी और खारी बोली निवासियों द्वारा व्यापक रूप से बोली जाती है। कैसे मिला शहर को नाम? प्रयागराज शहर का पूर्व नाम अकबर ने साल 1583 में रखा था। इलाहाबाद का अर्थ अरबी शब्द इलाह, अकबर द्वारा चलाए गए नए धर्म दीन ए इलाही के संदर्भ से अल्लाह के लिए और फारसी से आबाद अर्थ बसाया हुआ, यानी कि ईश्वर द्वारा बसाया गया या ईश्वर का शहर है। 16 अक्टूबर 2018 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका नाम इलाहाबाद से बदलकर प्रयागराज कर दिया। 16 अक्टूबर से पहले लोग इसे इलाहाबाद के नाम से जानते थे। प्रयागराज का राजनीतिक इतिहास। आजादी के बाद 1952 में लोकसभा का पहला चुनाव हुआ। तब इलाहाबाद फूलपुर संयुक्त संसदीय क्षेत्र था। पंडित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद पूर्व सीट से जीतकर संसद पहुंचे थे और इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, हेमवंत नंदन, बहुगुणा, जनीश्वर मिश्र, अमिताभ बच्चन, वीपी सिंह, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, एसपी नेता रेवती रमन सिंह इस सीट से सांसद रह चुके हैं। वर्तमान में बीजेपी नेता श्याम चरण गुप्ता यहाँ से सांसद है। प्रयागराज की विरासत। भारत में ब्रिटिश सरकार ने लंबे समय तक शासन किया। साल 1857 की क्रांति से लेकर स्वतंत्रता तक प्रयागराज प्रमुख केंद्र रहा। ब्रिटिश सरकार ने यहां पर बेहतरीन इमारतों का निर्माण कराया। अंग्रेजों द्वारा बनवाए गए इमारतों की बनावट पश्चिमी वास्तुकला से प्रेरित थी। चर्च, शिक्षण संस्थान, महल, प्रशासनिक भवन, इन सब का निर्माण पश्चिमी सभ्यता में हुआ है। प्रयागराज का मेयो मेमोरियल हॉल साल 1879 में आर राकेल बैने द्वारा बनवाया गया था। 19वीं और 20वीं शताब्दी की स्थापत्य कला का बेहतरीन उदाहरण थॉर्नहिल मेन मेमोरियल है। इसका निर्माण लेजिस्लेटिव असेंबली की बैठक के लिए करवाया गया था। भौगोलिक स्थिति। प्रयागराज का क्षेत्रफल 5,482 वर्ग किलोमीटर है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 59,54,000 है। प्रयागराज जिले का लिंग अनुपात 1,000 पुरुषों पर 901 महिलाएं हैं। यहाँ की साक्षरता दर 72.3% है। प्रयागराज में विधानसभा की 12 सीटें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। प्रयागराज जिले में 12 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें फाफामाऊ, सोरा, फूलपुर, प्रतापपुर, हंडिया, मेजा, करछना, इलाहाबाद पश्चिम, इलाहाबाद उत्तर, इलाहाबाद दक्षिण, बारा और कोराव हैं। कल हमने अपने खास कार्यक्रम में फाफामाऊ, सोरा, फूलपुर, प्रतापपुर,
हंडिया और मेजा विधानसभा की चर्चा की थी। आज हम बाकी बची हुई 6 सीट करछना, इलाहाबाद पश्चिम, इलाहाबाद उत्तर, इलाहाबाद दक्षिण, बारा और कोराओं के सियासी करेंगे। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे करछना विधानसभा सीट की। प्रयागराज की करछना विधानसभा सीट पर अभी तक बीजेपी जीत नहीं दर्ज कर पाई है। इस सीट पर जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी की सभी कोशिशें बेकार साबित हो रही हैं। 2017 में जब पूरे प्रदेश में मोदी लहर चल रही थी, उस समय भी इस सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। फिलहाल ये सीट सपा के कद्दावर नेता और 8 बार के विधायक रेवती रमन सिंह के बेटे उज्ज्वल रमन सिंह के पास है। वहीं 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में बीएसपी के दीपक पटेल ने जीत दर्ज की थी। दीपक पटेल ने सपा के उज्ज्वल रमन सिंह को 404 वोटों से हराया था। और प्रयागराज चुनाव विधानसभा सीट अभी तक बीजेपी का खाता यहां पर नहीं खुल सका है। इस सीट पर रेवती रमन सिंह के लंबे समय से वर्चस्व रहा है और जब वो सांसद चुने गए तो उनके बेटे उज्ज्वल रमन सिंह ने इस सीट को विरासत में संभाला। प्रयागराज जिले की 12 विधानसभाओं में 2017 में पहली बार 9 सीटों पर कमल खिला, जबकि 2012 में किसी भी सीट पर बीजेपी जीत नहीं सकी थी। 1974 में पहली बार रेवती रमन सिंह ने जीत दर्ज करी और फिर इसके बाद उनका सफर चल निकला। 1977 में करछना विधानसभा सीट पर जनता पार्टी के रेवती रमन सिंह ने जीत दर्ज की। उसके बाद इस सीट पर कांग्रेस के कृष्ण प्रकाश तिवारी पहली बार जीत दर्ज करके कांग्रेस का खाता खोल चुके थे। 1996 में समाजवादी पार्टी में शामिल होकर रेवती रमन सिंह ने 7वीं बार जीत दर्ज की थी। करछना का सियासी समीकरण आपको बता रहे हैं, इस सीट पर रेवती रमन सिंह का वर्चस्व और सांसद बनने के बाद बेटे उज्ज्वल रमन ने विरासत को संभाला है, तो इस सीट पर बीजेपी का खाता एक भी बार नहीं खुला। 1974 में पहली बार रेवती रमन सिंह ने जीत दर्ज की थी। कृष्ण प्रकाश तिवारी पहली बार जीत दर्ज करके कांग्रेस का खाता खोला था। 1996 में सपा में शामिल होकर रेवती रमन सिंह ने 7वीं बार अपनी जीत दर्ज कराई थी। और फिलहाल बीजेपी को लेकर अगर बात तो करछना सीट पर अभी तक बीजेपी का खाता नहीं खुला है। और अब बात करते हैं इलाहाबाद पश्चिम सीट की। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में मोदी लहर में इस सीट पर भी पहली बार कमल खिला। बीजेपी प्रत्याशी सिद्धार्थनाथ सिंह ने जीत दर्ज की और उन्होंने समाजवादी पार्टी की ऋचा सिंह को 25,336 मतों से हराया था। वहीं 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में इलाहाबाद पश्चिम सीट पर बीएसपी के पूजा पाल ने जीत दर्ज की थी। पूजा पाल ने अपना दल के अतीक अहमद को 8,000 वोटों से हराया था। प्रयागराज जिले के पश्चिम विधानसभा सीट बाहुबली नेता अतीक अहमद के कारण चर्चित रही है। इस सीट पर उनका आतंक लंबे समय तक कायम रहा और आपको बता दें इस विधानसभा सीट पर अतीक अहमद निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 1989 में जीत दर्ज कर चुके थे, जिसके बाद उनका ये सफर लगातार जारी रहा और 2002 तक वो इस सीट से विधायक निर्वाचित होते रहे। उनके सामने कोई दूसरा प्रत्याशी टिक न सका था। फिर अतीक अहमद फूलपुर से सांसद चुने गए तो इस सीट पर उपचुनाव हुए, जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजू पाल ने जीत दर्ज की थी और इस जीत को अतीक अहमद पचा नहीं पाए और षड्यंत्र के तहत राजू पाल की हत्या कर दी गई और इस हत्या के आरोप में अतीक अहमद जेल में बंद है। इलाहाबाद पश्चिम का ये सियासी समीकरण आपको बता रहे हैं, अतीक अहमद के कारण चर्चित रही है इलाहाबाद की ये पश्चिम सीट। फिलहाल इसको लेकर हम आपको ग्राफिक्स के जरिए जानकारी पहुंचा रहे हैं। लंबे वक्त तक अतीक अहमद का सीट पर रहा है। सीट पर अतीक अहमद निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुने गए थे और उन्होंने जीत भी हासिल की थी। 2002 तक अतीक अहमद इस सीट से विधायक निर्वाचित होते रहे।
और अब बात करते हैं इलाहाबाद उत्तर सीट की। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में इस सीट पर कमल खिला था। बीजेपी प्रत्याशी हर्षवर्धन वाजपेयी ने कांग्रेस के 4 बार के विधायक अनुग्रह नारायण सिंह को 35,000 मतों के अंतर से हराकर जीत दर्ज की। और अब 2022 की बात करें तो 2022 में बीजेपी को इस सीट पर अपनी जीत को बनाए रखने की बड़ी चुनौती है। में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के अनुग्रह नारायण सिंह ने जीत दर्ज की थी। अनुग्रह नारायण सिंह ने बीजेपी के हर्षवर्धन वाजपेयी को 16,000 वोटों से हराया था। इलाहाबाद उत्तर विधानसभा सीट पर कांग्रेस का सबसे ज्यादा वर्चस्व रहा है। इस विधानसभा सीट से 1970 से लेकर 80 तक कांग्रेस प्रत्याशी ही जीत दर्ज करते रहे। वहीं इमरजेंसी के दौरान जनता पार्टी ने भी इस सीट पर जीत दर्ज की थी। वहीं ये सीट कांग्रेस के कद्दावर नेता अनुग्रह नारायण सिंह के कारण भी जानी जाती रही है। पहले इस सीट पर एक परिवार का ही कब्जा लंबे समय तक रहा है। इस सीट से कांग्रेस से राजेंद्र कुमार वाजपेयी लगातार 4 बार विधायक चुनी गई और ये सीट ब्राह्मण बाहुल्य सीट है, जिसके चलते यहाँ पर शुरुआत के दौर में ब्राह्मण प्रत्याशियों की जीत हुई थी। इलाहाबाद उत्तर का सियासी समीकरण आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। 1957 से लेकर 80 तक कांग्रेस के ही प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। इमरजेंसी के दौरान जनता पार्टी ने भी इस सीट पर जीत दर्ज कराई है। कांग्रेस के कद्दावर नेता अनुग्रह नारायण सिंह कारण सीट की पहचान बनी है। कांग्रेस से राजेंद्र कुमारी वाजपेयी लगातार 4 बार विधायक चुनी गई है। तो मिशन 2022 को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं, किस सीट पर किस तरीके से विजय पाई गई थी और अब क्या तैयारियां, उनके बारे में बात करें हम आज। प्रयागराज की 6 बाकी की बची हुई सीटों को लेकर बात कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे तो 2017 में इस विधानसभा सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। इस बार बीएसपी से नंद गोपाल गुप्ता ने नाता तोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं और वहीं बीजेपी प्रत्याशी के रूप में नंद गोपाल नंदी ने समाजवादी पार्टी के परवेज अहमद को 28,587 मतों से हराया था। साल 2017 का इलाहाबाद दक्षिण का ये ग्राफिक्स के जरिए समीकरण बता रहे हैं। बीजेपी के नंद गोपाल नंदी ने जीत दर्ज की थी। सपा के परवेज अहमद को 28,587 वोटों से उन्होंने हराया था। और वहीं 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के हाजी परवेज अहमद ने जीत दर्ज की थी। हाजी परवेज अहमद ने बीएसपी के नंद गोपाल नंदी को 414 मतों से मामूली अंतर से हराया था। और इलाहाबाद दक्षिण का सियासी समीकरण आपको बता रहे हैं। प्रयागराज के दक्षिण विधानसभा सीट के बारे में बात कर रहे हैं। एक वीआईपी सीट के तौर पर यह सीट जानी जाती है। इस सीट पर शुरुआती दौर में कांग्रेस का कब्जा रहा तो बाद में बीजेपी का गढ़ बन गया है। प्रयागराज के दक्षिण विधानसभा सीट से बीजेपी के वरिष्ठ नेता केसरीनाथ त्रिपाठी 6 बार निर्वाचित हुए हैं। ये विधानसभा सीट केसरीनाथ त्रिपाठी की वजह से 2007 तक बीजेपी का गढ़ बनी रही। 1989 से बीजेपी की विजय पताका शुरू हुई जो 2007 तक जारी रही। प्रयागराज के दक्षिण विधानसभा सीट से मुस्लिम मतदाता ज्यादा है जो कि निर्णायक भूमिका में है और वहीं इस सीट पर करीब 100,000 मतदाता मुस्लिम समुदाय के ही हैं। वैश्य और मुस्लिम की बात करें, इसके अलावा ब्राह्मण समाज के मतदाताओं की संख्या की बात करें तो वैश्य और ब्राह्मण समाज के मतदाताओं की संख्या भी अच्छी है जो किसी पार्टी की जीत में बड़ी भूमिका निभाते हैं। करते हैं 12 विधानसभा सीट की। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के अजय कुमार ने जीत दर्ज की थी। अजय कुमार ने सपा प्रत्याशी को 34,000 वोटों से हराया था। और वहीं 2012 में समाजवादी पार्टी के डॉक्टर अजय कुमार की जीत हुई। पहली बार समाजवादी पार्टी को इस सीट पर खाता खोलने का मौका मिला था। सपा प्रत्याशी ने बीएसपी के भोलानाथ चौधरी को हराया था।
प्रयागराज जिले के 12 विधानसभा सीट बाहुबली नेता उदय भान करवरिया के कारण भी जानी जाती है। इस विधानसभा सीट पर 1980 में कांग्रेसी रमाकांत मिश्रा ने जीत हासिल की और वहीं 1985 में कांग्रेसी रमाकांत मिश्रा दूसरी बार विधायक चुने गए। 1989 में समीकरण बदल गया। प्रदेश में जनता दल की लहर में इस सीट पर भी जनता दल के प्रत्याशी राम दुलार जीत दर्ज की। 1991 में ये सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में चली गई और 2002 के चुनाव में इस सीट पर पहली बार कमल खिला। प्रयागराज की 12 विधानसभा सीट दलित बाहुल्य सीट है। इस सीट पर 1,20,000 दलित मतदाता हैं, जबकि 50,000 पिछड़ी जाति के हैं। विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 2,92,000 है, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,59,000 है, वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 1,32,000 है। 12 विधानसभा सीट के समीकरण की हम बात कर रहे हैं, ये सियासी समीकरण आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं। विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 2,92,000 है, पुरुष 1,59,000, महिला वोटरों की संख्या 1,32,000 है। और अब बात कर लेते हैं कोराव सीट की। साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में कोराव सीट पर बीजेपी ने कमल खिलाया था। यहां से बीजेपी के प्रत्याशी राजमणि कोल को जीत मिली थी। राजमणि कोल को 1,03,428 वोट मिले थे और उन्होंने कांग्रेस के राम कृपाल को 53,696 वोटों से बड़े अंतर से हराया था। दूसरे नंबर पर रहे राम कृपाल को कुल 46,731 वोट मिले थे। और वहीं इस साल 2012 के विधानसभा चुनाव में कोराव विधानसभा सीट पर बीएसपी के प्रत्याशी राजबली जैसल को जीत मिली थी। राजबली जैसल ने माकपा राम कृपाल को 7,773 वोटों से हराया था। साल 2007 में मेजा से अलग अस्तित्व में आए कोराव विधानसभा क्षेत्र में बीएसपी और कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा रहा। पहाड़ी और मैदानी इलाके वाले इस कृषि प्रधान क्षेत्र में धान और गेहूं की फसल ज्यादा होती है। कोराव विधानसभा क्षेत्र में करीब 3.5 लाख वोटर्स हैं। इनमें से 1,89,998 के करीब पुरुष और 1,59,250 के करीब महिला वोटर हैं। यहां 1 लाख के आसपास आदिवासी मतदाता हैं। तकरीबन 60,000 मतदाता पिछड़ी जाति से हैं। इस इलाके में कोल बिरादरी के लोगों की तादाद अधिक है, जो कि मजदूरी करते हैं। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।